उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरोला में स्थित नगर पालिका के रैन बसेरे में ठंड से बुजुर्ग की मौत होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन इसे सामान्य मौत बता रही है। बता दें कि अमरोहा जनपद से गजरोला कस्बे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा गजरोला ब्लॉक परिसर में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। इस रैन बसेरे में रविवार की रात को भजनलाल नाम के एक बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत हो गई। ठंड का प्रकोप ज्यादा होने पर उसने सुबह 6:30 बजे दम तोड़ दिया। भजनलाल की मौत की सूचना मिलते ही नगरपालिका के अधिकारियों में खलबली मच गई। आनन फानन में सभी अधिकारी गजरोला ब्लॉक सभागार पहुंचे। इस पूरे मामले में हैरानी इस बात की है कि रैन बसेरा जिस स्थान पर बनाया गया है वहां पर खिड़कियां खुली हैं, उसमें दरवाजे तक नहीं है। शायद यही वजह रही होगी कि यहाँ पर बर्फीली हवाएं अपना कहर बरपा रही होंगी और सर्द रात में इस बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत हो गई होगी, जिसको नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी विजेंद्र सिंह सामान्य मौत बता रहे हैं। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मेरा नाम है अनिल कुमार सर। किस पद पे हैं? मैं हूँ रैन बसेरे का कर्मचारी नगर पालिका से। अच्छा, क्या हुआ ये? इन्हें कुछ नहीं हुआ था, ठीक ठाक आए थे 10:10 पर। अच्छा, रात रात क्या नाम है इनका? भजनलाल वर्मा। अच्छा, फिर उसके बाद आने के बाद 10:10 पाए, उसके बाद ये सुबह 6:40 की तबीयत खराबी करी। मैंने जो फ़ोन करा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आए, आने के बाद उन्होंने चेक करा, उसके बाद जो बोले तो उनका तो मामला ख़राब चल गया। फिर 108 नंबर पर फ़ोन करा, फिर 20 मगर उन्होंने बोला एम्बुलेंस वालों को भर्ती कर देंगे। वो बोले जी पुलिस वालों से कहो, है ना, थोड़ा सा उनके वाले तो कोई नहीं है, तो बोले आप कौन? मतलब नारायण वैसे बोल रहे हो कर्मचारी? बोले ठीक है सर। तो फिर उसके बाद मैं बाबू को फ़ोन करा, उसके बाद जो फिर इतने भी इनके ध्यान हो गया 7:25। अब यहाँ अधिकारी आ गए आपके? अधिकारी आ गए हैं, ये हो गए हैं सब। और दूसरी बात ये, वो भी लड़का गया है दिन की ड्यूटी है, मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, ये पता चला ये कहाँ के हैं अभी? ये गजरोले के बता रहे हैं लोग वक्त वैसे। अच्छा ठीक है। कितनी उम्र होगी? 65 साल की उम्र है। और ये पता नहीं इनका जो ऐसा होता, कभी थाने पर है, कभी चौपले पर है, कभी स्टेशन पर, ये घूमते रहते थे। ठीक। हाँ, ये आज 8 दिन कल आते थे लगातार, अब आज 8 दिन के बाद ये आए हैं, 8-10 दिन के बाद। ठीक है। और रात इनका ध्यान बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कल रात 10:50 पर रैन बसेरे में आए थे, और सुबह जैसे सभी लोग उठ गए थे तो जो अटेंडेंट थे वहाँ पर, इन्हें भी उठाकर देखा, लेकिन कोई हलचल जैसे नहीं महसूस हुई, तो CHC में डॉक्टर साहब को फ़ोन किया गया। डॉक्टर साहब मौके पर पहुँचे और देखने के बाद उन्होंने मृत्यु किया। उनको इस तरह से, चूँकि बुजुर्ग थे और 65 वर्ष से अधिक आयु के थे, तो स्वाभाविक मृत्यु। तो उनके परिजन आ गए थे क्या शायद? जी, उनके परिजनों को बुलाया गया और उनके परिजनों ने देख करके कि स्वाभाविक मृत्यु है, तो उनके परिजन सब को लेकर अंत्येष्टि के लिए गए, जिसमें नगर पालिका ने भी अपना सहयोग किया। अच्छा, कहाँ के थे ये? कहाँ के थे जो जिनकी मौत हुई है? ये टीचर कॉलोनी गजरोला के ही निवासी थे। ठीक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।